अहम खबर, आतंकी गैंगस्टर के खिलाफ एनआईए की छापेमारी से जुड़ी। एनआईए के 4 राज्यों में 30 जगहों पर छापेमारी चल रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में एनआईए रेड मार रही है। आतंकी गैंगस्टर कनेक्शन केस में एनआईए की ये रेड इस वक्त जारी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक साथ एनआईए की टीमें छापेमारी कर रही हैं। तो देखिए ये अहम खबर आपके सामने। पंजाब के कोटकपुरा में एनआईए ने छापेमारी की है। कारोबारी नरेश कुमार उर्फ गोल्डी के घर पर यहां पर छापा मारा गया है। नरेश के रिश्तेदार की वजह से उसके घर पर छापेमारी हुई है। आटा चक्की चलाने वाले घर के घर पर भी एनआईए की टीम पहुंची है, नरेश कुमार से पूछताछ की है। तो ये तमाम डिटेल्स भी इस छापेमारी से जुड़ी सामने आ रही है। यहाँ पर हम आपको बता दें 4 राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की है, ये जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा आपके सामने कुछ और अपडेट्स हम रख रहे हैं। ये छापेमारी कहाँ कहाँ चल रही है इसको लेकर भी अब जानकारी सामने आने लगी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, MP में इस वक्त रेड की जा रही है। जानकारी ये भी कि पंजाब के कोटकपुरा में एनआईए की ओर से छापेमारी की गई है। जानकारी आपके सामने रख दें कि कारोबारी नरेश कुमार उर्फ गोल्डी के घर पर यह छापेमारी की जा रही है। नरेश के रिश्तेदार की वजह से उसके घर पर छापेमारी की जा रही है। आटा चक्की चलाने वाले के घर पहुंची है एनआईए की टीम। एनआईए ने नरेश कुमार से पूछताछ की है। टेरर कनेक्शन की वजह से एनआईए ने यहां पर छापेमारी की है। पंजाब के मोगा में भी एनआईए ने छापेमारी की है जानकारी। इसके अलावा ये सामने आ रही है कि हरियाणा के हिसार में भी एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। एनआईए ने हिसार में एक ट्रांसपोर्टर के घर पर छापेमारी की है।